सर ऐसा 11 बजे से लेके 11 बजे से लेके 5:30 बजे तक कोई आ रहा है इनका यहाँ खबर करिए इसको हम ही बुलाए सुना जा सको सिलेंडर लगा हाँ हम ही बुलाए पता नहीं कौन आखिरी दिन तक नहीं लगा हुआ है इसको फोन किया हमको काशी अम्मे का ये नंबर है फोन करते रहो लगा हमको भाई हमारे पास नंबर भेजा गया है ये मरीज पूरे तीन पॉजिटिव है ये पॉजिटिव थे और ये पूरे वार्ड में इमरजेंसी वार्ड में रखे हुए ये खत्म हो चुके हैं ये खत्म हो चुके हैं ये इमरजेंसी वार्ड में रखे जी कोरोना पॉजिटिव मोनिका गुप्ता मोनिका जी किस वजह से आप यहाँ पर हैं वो 2 दिन से सांस नहीं ले पा रहे थे तो फिर यहाँ एडमिट किया गया था चाचा को मेरे यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं दिए बस लाकर एक बेड पे सुला दिए और 2 बॉटल पानी चढ़ा दिए उसके बाद से ना वो उस नर्स उनके पास जा रही थी ना वो ट्रीटमेंट दे रही थी ना कोई दवा दे रही थी जबकि वो बार बार बोल रहे कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है जब उसके पास आ रहे तो वो बोल रहे हैं कि दूर हटो नहीं जाएंगे तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम देखो ये करो अगर हम ही को देखना होता तो हॉस्पिटल क्यों एडमिट करवा दिए होते और सुबह भी जब ले जा रहे थे तो कह रही है हम रेफर नहीं करेंगे हम ये नहीं करेंगे हम कागज नहीं देंगे जाओ तुम देख लो पॉजिटिव थे तो आखिर थे तो आप एक एम्बुलेंस तो करा सकते थे ना बोल तो रही थी कि एक एम्बुलेंस करवा दीजिए रेफर स्लिप दे दीजिए वो भी तो नहीं दे रहे थे ये लोग और पॉजिटिव की रिपोर्ट तक ये लोग नहीं दिए वो तो मैंने ऑनलाइन चेक किया ऐसा ट्रीटमेंट देते ये लोग की रिपोर्ट तक भी नहीं देंगे